फ्रेंड्स, वेलकम है उषा स्ट्रीट फूड में। आज मैं पूनम सिंह आपको कुछ जवे बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने हैंड से तोड़े हुए हैं। ये जवे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मैगी नूडल्स या नूडल्स खाए जाते हैं, मार्केट से बच्चे खरीद कर खाते हैं। तो अगर आप ये घर पर ही बनाकर खिलाएंगे तो बहुत अच्छे होंगे। ये किस तरीके से बनते हैं, कुक किए जाते हैं, हाओ इसकी विधि को हम देखें। आपको अपने हैंड से ही इस तरीके से तोड़ने हैं। कैसे तोड़े जाएंगे मैं आपको इसके बारे में अगली वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे किसको किस तरीके से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने एक कटोरी जवे लिए हैं हाथ के तोड़े हुए, और ये मैंने रोस्टेड करके रखे हुए हैं, ये मैंने भून के रखे हुए हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आलू लूंगी। ये मैंने छोटा एक आलू काट के छोटे छोटे पीसेस में रखा हुआ है। ये थोड़ी सी चॉप की हुई मैंने गोभी ली हुई है, छोटे छोटे आकार में, बिल्कुल थोड़ा सा ही ये पीस है। ये कुछ मैंने मटर के दाने लिए हुए हैं और छोटा सा प्याज। दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन में एक गरम करने के लिए रख दिया है, और इसमें एक बड़ा स्पून घी का डाला है। ये देसी घी मैंने यूज किया है इसमें। ये देखिए बच्चों को बहुत पसंद आता है, हेल्दी रहता है बच्चों के लिए। ये रेसिपी मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। अब ये घी गर्म हो चुका है फ्राई पैन में। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा। ये जीरा इसमें भुन जाएगा और थोड़ा सा इसको सॉटे करूंगी जिसे हल्का सा ब्राउन हो जाए। ये क्रैक हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कटा हुआ प्याज जो मैंने काट कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में फ्राई पैन में पानी गर्म होने रख दिया है। ये पानी बॉयल हो चुका है, इसको हम यूज करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आलू, कटे हुए आलू। और फिर इसमें डालूंगी गोभी कटी हुई, जो मैंने चॉप करके गोभी रखी हुई है, और मटर। और इसको सॉटे करूंगी, 5 मिनट सॉटे करूंगी जिससे ये सारी सब्जियां पक जाए। हल्का सा इसमें नमक भी डाल देते हैं जिससे जल्दी पक जाएंगी ये सब्जियां। इसमें अब हम डालते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। और इसमें अब हम डालते हैं हल्दी पाउडर। ये मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और इसको धीमी आंच पर पकने देंगे 5 मिनट तक, जिससे ये सारी सब्जियां गल जाए। 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो बॉईल किया हुआ मैंने पानी रखा था, वो पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी इसलिए ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हमें जो जवे हैं वो डिप करने हैं। इसको भी 5 मिनट्स तक बॉईल करने देंगे, या फिर आप इसको ढककर भी पका सकते हो। अदरवाइज जैसे भी ये जितनी भी सब्जियां जो कम गली होंगी वो भी गल जाएंगी। 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं जवे। ये मैंने बड़ी कटोरी जवे रखे हुए हैं। इस तरीके से ये जो जवे हैं इसके अंदर डिप हो जाने चाहिए। और ये जवे अब हमारे पककर तैयार हो जाएंगे 5 मिनट में, और इसको मैं ढक देती हूँ। अब देखिए 5 मिनट्स हो गए हैं, किस तरीके से इसमें अरोमा होगा। वाओ, ये देखिए पक्के तैयार हो गए हैं। ऑलमोस्ट 1 मिनट और लगेगा। इसमें जो हल्का फुल्का से जो पानी और है उसको भी हम ड्राई कर लेते हैं, और फिर हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिए हैं, और हम इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून घी। घी से और थोड़ा सा डाल देते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी भी होता है। अगर आप इस बच्चों को खिलाएंगे बहुत अच्छी रहता है, नूडल से तो बहुत अच्छा रहता है। आप सभी को खिलाएं और बच्चों को खिलाएं, उनकी हेल्थ को मेंटेन करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर बना कर देखें।
और इसका फीडबैक जरूर मुझे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस रेसिपी को लाइक जरूर करें। बाय।